15 तारीख को राजस्थान विधानसभा का घेराव किया जाएगा। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता राजस्थान विधानसभा का घेराव करेंगे। आप सभी ने देखा होगा कि राजस्थान में किस प्रकार से अराजकता की स्थिति है। पेपर लीक हो रहा है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं। उन परिस्थितियों में राजस्थान के अंदर युवाओं का जीना दुश्वर हो रहा है। रीट का जो मामला है, यह मामला उस प्रकार के पेपर लीक प्रकरण का है जिस स्थिति में सरकार के द्वारा पेपर लीक करवाया गया हो। तो इसमें गैंग का तो इन्वॉल्वमेंट है ही, सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रारंभ से ही स्टैंड रहा है और युवा मोर्चा भी उस स्टैंड को सभी के मध्य ले जा रहा है कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। चूंकि मंत्रियों का इन्वॉल्वमेंट इसमें आ रहा है, सरकार का इन्वॉल्वमेंट इसमें आ रहा है, तो उस परिस्थिति में एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए अनुसंधान करने के लिए जो राज्य सरकार के नियंत्रण से बाहर हो। एसओजी इसमें अनुसंधान करके निष्पक्ष अनुसंधान नहीं कर पा रही है। इसलिए युवा मोर्चा की और भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। हम जब जब मांग कर रहे हैं, सरकार के द्वारा हमारे ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा है, उसका भी हम विरोध करते हैं और लाठियों से हम नहीं डरेंगे। 15 तारीख को हम विधानसभा का घेराव करेंगे।